सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करें। आप लोग इस चैनल को चुना है और इस चैनल के द्वारा भी प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं। मैं इसलिए आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी हम प्रभु का एक और वचन को ध्यान करेंगे। अगर कोई नए से सुन रहे हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी, विश्वासियों को भी आप शेयर कर सकते हैं। एक वचन हम लोग ध्यान करेंगे आज भी, योना नबी का किताब, योना नबी की किताब उसका 4 अध्याय, योना जो जोना चैप्टर 4 उसका 6th वचन से हम लोग ध्यान करेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेंड का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेंड के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। सवेरे जब पौ फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिसने रेंड का पेड़ ऐसा काट काटा कि वह सूख गया। जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पूर्वाई चला बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेंड के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। तब यहोवा ने कहा, जिस रेंड के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, न उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। फिर यह बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य है, जो अपने दाहिने बाएं हाथ का भेद नहीं पहचानते और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं? हालेलुया। मेरे प्यारों, यहाँ पर 3 चीजों को परमेश्वर भेजते हैं और 3 चीजों को भेजकर परमेश्वर योना को कुछ सिखाते हैं। परमेश्वर योना को कुछ सिखाना चाहता है। उसके लिए 3 चीजों को परमेश्वर भेजा। पहले तो आप तो जानते हैं क्यों योना उस गांव के निनेवे शहर के बाहर में क्यों एक डेरा जैसा डालकर वहां पर क्यों बैठा था, क्योंकि वो भविष्यवाणी किया था निनेवे को 40 दिन के अंदर ये निनेवे शहर नष्ट कर दिया जाएगा। तो वो गांव के शहर के बाहर बैठकर देखना चाहता है कि क्या होगा इस नगर के साथ, क्या होगा। वो उसके लिए उस वहां पर बैठा है और वहां पर बहुत कड़ी धूप थी। तो परमेश्वर वहां पर क्या किए, रेंड के पेड़ उगाकर वहां पर योना को छाया दिया। एक ही रात में वो पेड़ उग गया और उसके कारण योना बहुत खुशी था। लिखा है ना, पेड़ के कारण, रेंड के पेड़ के कारण वह बहुत ही आनंदित हुआ। योना उस रेंड के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। योना को बहुत खुशी हो गई उस पेड़ को देखकर। वो बहुत आनंदित हो गया उस पेड़ के कारण। फिर परमेश्वर ने क्या किया, एक कीड़े को भेजा। 7 वचन में, सवेरे जब पौ फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिसने रेंड के पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। परमेश्वर ने भेजा, यहाँ पर लिखा है ना, तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा। पहले क्या भेजा, क्या दिया, उस रेंड के पेड़ को उगाया, योना को छाया दिया, उससे वो बहुत खुश हो गया। और सेकेंडली परमेश्वर एक कीड़े को भेज रहा है, वो कीड़ा आकर उस पेड़ को काट दिया और वो पेड़ सूख गया। एक ही रात में वो सूख गया। उसके बाद फिर प्रभु ने क्या दिया,
आठ वचन में, जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पूर्वाई बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। देखिए, जब परमेश्वर उस पेड़ को दिया बहुत आनंदित हो गया, लेकिन जब कीड़ा भेजा, कीड़ा उस पेड़ को काट दिया और पेड़ सूख गया। और सुबह सुबह होते ही परमेश्वर एक पूर्वाई चलाई, धूप, सूरज उगा और कड़ी धूप परमेश्वर ने दिया, पूर्वाई चलाकर इतना गर्मी दिया, उससे योना मूर्छित होने लगा। यहाँ पर लिखा है ना, पर ऐसी लगी उस पर योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा और क्रोधित होने लगा और परमेश्वर से कहा कि मुझे मौत दे दीजिए, मैं मरना चाहता हूं, मुझे जीवित रहने से मरना अच्छा है। तब परमेश्वर ने उससे पूछा, आगे पढ़ेंगे जैसे मैंने अभी पढ़ा है ना, परमेश्वर ने उससे पूछा, योना तेरा क्रोध करना क्या यह उचित है? और योना कह रहा हाँ, योना कह रहा है ना यहां पर, उसने कहा हाँ मेरा क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता है। वो गुस्से में बात कर रहा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, देख योना, तूने उस पेड़ के लिए कोई परिश्रम नहीं किया, ना उसे तू उगाया, ना उसको पानी दिया, उसके लिए कोई परिश्रम नहीं किया, वो अपने आप उगा। यहां पर लिखा है ना, जिस रेत के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, ना उसको बढ़ाया, जो एक ही दिन में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ। एक ही रात में आया, एक रात में वो चला गया, और उसके लिए तो इतना क्रोधित है और उसके लिए तो इतना तरस खा रहा है। आगे लिखा है ना, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई। उस पेड़ के लिए तो तरस खाया, उस पेड़ के ऊपर तू तरस खाया। अगर ऐसा है तो 120,000 से भी अधिक लोग उस नीनेवे शहर में रह रहे हैं और भी बहुत से जानवर पशु, घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, और 120,000 लोग, उससे भी ज्यादा लोग वहां पर रहते हैं, क्या मैं उनके लिए तरस ना खाऊं? मेरे प्यारों, परमेश्वर ना कभी कभी हमें सिखाने के लिए कुछ चीजों को हमारे जीवन में परमिट करते हैं। पहले तो उस पेड़ को भेज दिया परमेश्वर ने, उससे वो योना बहुत आनंदित हो गया, और उसके बाद परमेश्वर ने ही कीड़े को भेजा जिसने उस पेड़ को काटा और वो सूख गया। और तीसरी चीज, पहले तो परमेश्वर उस रेंड के पेड़ को दिया, उसके बाद कीड़े को भेजा, और तीसरी परमेश्वर ने क्या किया, पूर्वाई सूर्य का जो तेज धूप जब आया, परमेश्वर ने पूर्वाई बहाकर लू चलाई सूरज की बहुत तेज रोशनी पड़ी और उससे योना गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया। देखिए, जब आशीष से हमारे ऊपर आएगा तो हम खुश होते हैं, लेकिन जब बीच में प्रभु कभी कभी कुछ हमें सिखाने के लिए कुछ कठिनाई हमारे जीवन में आने देता है, तब कभी कभी हम नाराज हो जाते हैं, कभी कभी दुखी हो जाते हैं, कभी कभी क्रोध भी करते हैं। मेरे प्यारों, परमेश्वर योना को कुछ सबक सिखाना चाह रहा था, परमेश्वर योना से कुछ बताना चाह रहा था, कुछ सिखाना चाह रहा था, इसीलिए परमेश्वर इन तीन चीजों को उनके जीवन में उनके पास लाया। वैसे ही जब कभी परमेश्वर हमें आशीष देते हैं, उसके लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है, और जब कुछ कठिनाइयां, वो कीड़े जैसे कुछ कठिनाइयां, लू, सूरज की लू चलाई परमेश्वर, उससे योना को कष्ट कष्ट लगा,
कीड़े भेजा और वो कीड़ा पेड़ को काट दिया, पेड़ सूख गया, उससे भी योना को कष्ट पहुंचा, फिर भी योना को परमेश्वर कुछ सिखाया। परमेश्वर हमें भी कुछ सिखाने के लिए कभी कभी हमारे जीवन में कुछ कठिनाइयां जब लाते हैं, तब उसको हमें स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है। केवल ब्लेसिंग को ही स्वीकार ना करें, ब्लेसिंग को स्वीकार करें, उसके साथ साथ जब प्रभु हमें सिखाने के लिए कुछ कठिनाइयां हमारे जीवन में लाते हैं, तब उसको भी हम स्वीकार करें, ये जानकर कि परमेश्वर मुझे कुछ सिखा रहा है। और बाद में परमेश्वर योना को समझाया। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, इसीलिए परमेश्वर हमें सिखाते हैं, ताड़ना देते हैं, उलाहना देते हैं। जब भी प्रभु आपके जीवन में कुछ भी, परमेश्वर जब कुछ भी आपके जीवन में परमिट कर रहा है, तो वो अच्छा के लिए ही है, हमें कुछ सिखाने के लिए, हमें परमेश्वर ऊंचा लाने के लिए, सही रास्ता में चलाने के लिए। इसलिए परमेश्वर जो भी आपके जीवन में परमिट कर रहे हैं, खुशी से स्वीकारिए। जो प्रभु आपको सिखाना चाहता है, उस शिक्षा को प्राप्त करिए, परमेश्वर के मार्ग में चलिए। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुत ऐसे आशीष करें। एक छोटी सी दुआ करेंगे। आसमानी बाप, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं जो भी तू हमारे जीवन में परमिट करता है, जो आपकी ओर से हमें आ रहा है। हमने देखा प्रभु जी, योना के जीवन में तूने तीन चीजों को लाकर उनको तीन चीजों को देकर उनको कुछ सीख आपने दिया प्रभु जी, कुछ सिखाया प्रभु जी। वैसे प्रभु, आप जब हमारे जीवन में कुछ हमें कुछ सिखाने के लिए, कुछ हमारे जीवन में कुछ कभी कभी आशीष से, कभी कभी कठिनाइयां हमारे जीवन में जब आप परमिट करते हैं, हम खुशी से उसको स्वीकारें, ताकि प्रभु जी हम ये जान करके आप हमें कुछ सिखा रहे हैं। उसके लिए प्रभु हम अपने आप को आपके जीवन में, आपके हाथों में समर्पण करते हैं। हमें जो भी आप सिखा रहे हैं हम सीखने के लिए, और जो भी आप हमारे जीवन में परमिट कर रहे हैं उसे हम स्वीकार कर आपकी महिमा करने के लिए, और जो आप चाहते हैं वही हम करने के लिए, आपके मार्ग में चलने के लिए हमें सहायता कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु इस वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करें, आमीन।